डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम लोग एक्सरसाइज 2E को सॉल्व कर रहे थे लास्ट टाइम से, तो आज उसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि हमने जो गिवन नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स लिखने हैं और उनमें से बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है। द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 और 18, इसके फैक्टर्स लिखने हैं और हमने देखना है कि इनमें से कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो बेटा वेरी सिंपल, आप लोग जानते हैं अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमने ये देखना होता है कि ये जो 10 है, अगर इसके फैक्टर्स की बात करते हैं तो 10 किस किस के ऊपर जो है वो डिवाइड होता है। अगर 18 के फैक्टर की बात करते हैं तो हमने ये देखना है कि 18 किस किस के ऊपर डिवाइड होता है। तो बेटा 10 के अगर आप लोग फैक्टर देखते हैं तो ये 1 तो आप लोग जानते हैं कि एवरी नंबर का जो है वो फैक्टर है, और आप लोग जानते हैं कि अगर यूनिट प्लेस के ऊपर, मतलब जहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए तो इसका मतलब है वो 2 के ऊपर भी डिवाइड होता है। और ये चीज़ हमने जो लेक्चर था हमारा रूल्स ऑफ डिवीजन, उसमें हमने ये सारे रूल्स पढ़े थे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो किस नंबर के ऊपर डिवाइड हो रहा है। इस तरह से बेटा जो है 0 और 5 एंड पे आ रहा हो तो ये 5 के ऊपर डिवाइड होता है, अगर 0 आ रहा हो तो ये 10 के ऊपर डिवाइड होता है। आप लोग वो लास्ट लेक्चर जो है वो निकाल के उसको एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं अगर आप लोगों को जो है वो ये चीज़ें भूल रही हैं। तो इसी तरह से बेटा 18 के हम फैक्टर्स लिखेंगे। 18 के फैक्टर्स मुराद 18 किस किस के टेबल में आता है, तो ये 1, 2, 3, 6 और 9 और 18 के टेबल में आता है। अब हमने बेटा इनमें से क्या लिखना है कि हमारे पास जो है कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। तो सिंपल है कि हम लोग जानते हैं कॉमन फैक्टर से मुराद ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या हों कि 10 के भी हों और 18 के भी हों। तो आप लोग बेटा गौर करें, ये 1 कॉमन है, इस तरह से बेटा 2 देखें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 और 2। इस तरह से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 और 15, हमने फैक्टर्स किस किस के लिखने हैं, 25 और 15। तो पहले हम फैक्टर लिख लेते हैं 25 के, ठीक है, 25 जी बेटा 25 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में नहीं आ सकता, इस तरह से बेटा ये 3 के टेबल में नहीं आता, 4, 5 के टेबल में आता है, फिर 6, 7, 8 अप टू 10 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 25। इस तरह से अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं 15 की, तो ये 1 के 2 के टेबल में नहीं आ सकता, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और फिर ये 15 के टेबल में आएगा। तो फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे तो कौन कौन से हमारे पास इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं बेटा देखें, गौर करें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 मौजूद है और यहाँ पर 5 मौजूद है, यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब इसके कॉमन फैक्टर्स होंगे 1 और 5, ठीक है। इस तरह से बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने फैक्टर्स लिखने हैं 14 और 21 के जी। तो बेटा अगर आप लोग बात करते हैं 14 के फैक्टर्स की, ठीक है, 14 के क्या होंगे फैक्टर्स, 1, 2 और 7 और 14। 21 के फैक्टर्स क्या होंगे, 21 के फैक्टर्स बेटा आप लोग जानते हैं 1, 3, ठीक है, 2 इसका फैक्टर नहीं हो सकता, 7 और 21, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखना है कि इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, एक 1 कॉमन है आपके पास, एक जो है वो आपके पास क्या है 7 कॉमन है, तो इसके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 और 7। आई होप बेटा इस क्वेश्चन के आप लोगों को अच्छी तरह से जो है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर्स। आप लोगों ने जो है HCF को फाइंड आउट करना है, जो गिवन नंबर्स हैं उनमें से HCF, और HCF आप लोग जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनमें से जो ग्रेटर नंबर होता है उसको हम लोग HCF कहते हैं। जिस तरह अगर आप लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में तो इसमें HCF क्या होगा, 7, क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर्स थे और सबसे ग्रेटर जो फैक्टर है कॉमन फैक्टर में से वो 7 है, तो इस वजह से इसका जो कॉमन HCF होगा वो क्या होगा, 7। क्वेश्चन है हमारे पास
हमने 32 और 24 का जो है एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो बेटा पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर लिखेंगे किसके, 32 के। कौन कौन से होते हैं, 1, 2 एंड 3 के टेबल में नहीं आता, 4, 8, 16 एंड 32। इस तरह से हम 24 के लिखेंगे फैक्टर्स। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 कॉमन फैक्टर्स बेटा लिखेंगे हम लोग। अच्छा ये मैं ना बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ फैक्टर्स जो ये वाले हैं, ये आप लोग जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो बेटा आप लोगों को भी इस तरह से याद हो जाएंगे। फिलहाल आप लोगों ने बिल्कुल उसी टेक्निक के मुताबिक चेक करना है, एक एक मतलब आप लोग इतनी तेज़ी के साथ नहीं लिखेंगे, आप लोग चेक करेंगे कि 32 क्या 1 के टेबल में आता है। 1 तो आपको पता है वैसे हर के टेबल में आता है, इस तरह से फिर आप लोग चेक करेंगे 2 के टेबल में 32 आता है, अगर आता है तो 2 लिख लेंगे, फिर 3, 4, 5। और वैसे भी आप लोगों को डिवीजन के रूल भी याद हैं, आप वो उनसे भी मदद ले सकते हैं, अगर एंड पे 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 के ऊपर डिवाइड होता है। इसी तरह से अगर आप इनका जो सम है जैसे 3 प्लस 2, 5, अगर ये 3 के ऊपर डिवाइड होता 5 तो ये 3 के ऊपर भी जो है इसका फैक्टर होता। इस तरह से आपने 5 का भी रूल पढ़ा था, 10 का रूल पढ़ा था, उनसे भी आप लोग मदद ले सकते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, आप उस तरीके से भी फैक्टर्स ले सकते हैं, या फिर आप लोग जो है वो जब बार बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इस तरह से याद हो जाएंगे, फिर आप लोगों को इतनी जो है वो मुश्किल पेश नहीं आया करेगी। तो इसके कॉमन फैक्टर्स की अगर आप बात करते हैं तो बेटा इसमें है 1, 2 इस तरह से बेटा 4 ठीक है और 8 ठीक है एंड बस। आप लोग कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो 1, 2, 4 और 8। तो एच सी एफ इनमें से क्या होगा, हाईएस्ट क्या है कॉमन फैक्टर में से, 8। इस तरह से बेटा जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने फैक्टर्स लिखने हैं 50 और 25 के, इनमें बल्कि इनका एच सी एफ फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल है, पहले हम फैक्टर्स लिख लेते हैं 50 के। 50 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 2, 5, 10 एंड 25 एंड 50। और अगर 25 के फैक्टर्स की बात करें तो बेटा ये आप लोगों ने पहले भी लिखे हैं 1, 5 एंड 25। कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो 5, 1 सारे के सारे जो 25 के फैक्टर्स हैं ये इसके साथ जो हैं वो कॉमन हैं। तो एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स में से होना है 1, 5, 25। और आप लोग जानते हैं ये ग्रेटेस्ट नंबर जो है 25 है, तो इसका एच सी एफ जो है वो क्या होगा, 25। इस तरह से बेटा हमने जो है वो कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 12 एंड 1 के। दैट्स अ वेरी सिंपल, हमें मतलब 12 के लिखने हैं और 1 के लिखने हैं। और आप लोग जानते हैं अगर हम 1 के कॉमन फैक्टर्स की सॉरी 1 के फैक्टर्स की बात करें तो ये जस्ट 1 ही होगा, और अगर हम 12 की बात करते हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 कॉमन फैक्टर जस्ट 1 आएगा ठीक है। और एच सी एफ भी क्या होगा, 1, क्योंकि अब है ही बजाते यही ग्रेटर होगा और यही स्मॉलर होगा, तो इसका एच सी एफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो आई होप बेटा आप लोगों को इस चीज़ की जो है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आप लोगों ने जो अब इस तरह से है एक्सरसाइज 2E इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों ने जो है मुकम्मल कर लेना है अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर। जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।